नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मौसम बदलने लगा है, लोग तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। जिला अस्पताल के मेडिसिन ओपीडी में सर्दी, जुकाम, बुखार व खांसी के रोगियों की संख्या बढ़ गई है। तापमान में उतार चढ़ाव होने से दमा के रोगियों की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। सांस फूलने की समस्या ग्रसित रोगी प्रतिदिन 10-12 की संख्या में पहुंच रहे हैं। इनमें से 2-3 को भर्ती करना पड़ रहा है और ऑक्सीजन दिया जा रहा है। वहीं डॉक्टर लोगों को बीमारी से बचने के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। जिला अस्पताल के मेडिसिन ओपीडी में लगभग 500 रोगी प्रतिदिन पहुंचते हैं। इनमें से 125 रोगी सर्दी, जुकाम व खांसी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। 15 दिन पहले इनकी संख्या 50-60 होती थी। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड अभी पूरी तरह गए नहीं है, सुबह शाम पर्याप्त ठंड पड़ रही है। लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं पहन रहे हैं। मौसम बदलने की वजह से बैक्टीरिया वायरस सक्रिय हो गए हैं, इसलिए लोग तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। पेट दर्द, रक्तचाप व मधुमेह के रोगियों की संख्या में भी मामूली वृद्धि हुई है। आइए जानते हैं कि बचाव कैसे करना है। सुबह शाम पर्याप्त गर्म कपड़े पहने, गुनगुने गर्म पानी का सेवन करें, फ्रिज में रखे पानी या सामान का सेवन बिल्कुल ना करें, बाहर का कुछ ना खाए पिए, धूल व गर्दे से बचकर रहे, सुबह ठंड कम होने पर ही टहलने जाए। गोरखपुर जिला अस्पताल की फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि लापरवाही के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। मौसम थोड़ा गर्म होने की वजह से लोगों ने सुबह शाम पर्याप्त गर्म कपड़े पहनना छोड़ दिया है। बदलते मौसम में वायरस सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए बचकर रहने की जरूरत है। तबीयत खराब होने पर तत्काल चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि उपचार कराने में लापरवाही करने वालों की हालत गंभीर हो रही है, उनकी सांस भी फूल रही है।